ओम नमस्कार, प्रज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। आपने जैसा कि पिछले वीडियोस में देखा, हमने सेल के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई और कैसे योग उससे कोरिलेट करता है उसके बारे में भी बताया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल, संघ प्रक्षालन में उपयोग होने वाला पानी जिसमें कि हम नमक मिलाते हैं, कैसे ये नमक इसमें काम करता है और क्या प्रोसेस है जिनके द्वारा हम इसमें नमक ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये जरूर समझ जाएंगे। और हम यहाँ से आपको बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में तीन प्रकार के सॉल्यूशंस दिखाए गए, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इन सॉल्यूशंस के बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस सेल के अंदर। और जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके द्वारा इसके अंदर का द्रव्य बाहर आ सकता है और बाहर की चीजें अंदर जा सकती हैं, ये पिछली वीडियोस में आपने देखा है। और ये किस तरीके से आता है उसको बताने के लिए हम आज आपको बताएंगे कि जैसा आपने इस सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस को देखा, इसकी जो क्रिया है उनको आपने समझा, क्या फंक्शंस है वो फंक्शंस है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है ये अपने आप को, और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन जो है जो सेलेक्ट करती है, जिसको सिलेक्शन देती है, जिसको चाहती है वही चीजें अंदर आती हैं, और अब्सॉर्प्शन कुछ चीजों का अवशोषण भी करती है, और एक्सक्रीशन के द्वारा बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने का काम करती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। और मेंटेनेंस, किसका मेंटेनेंस? शेप और साइज का मेंटेनेंस करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी चीज का। अब हम थोड़ा समझ लें, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट कहते हैं हिंदी में विलेय को, विलेय मतलब जो घोला जाए, मतलब जिसको आपको घोलना है, जैसे नमक, जैसे चीनी, उसको घोला जाता है इसलिए वो सॉल्यूट है। दूसरा, जिसमें घोला जाए वो सॉल्वेंट है, जैसे पानी, जैसे इसको विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब पानी में नमक को घोलना है तो नमक वहां सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। और जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया गया तो जो मटेरियल बना, जो मिश्रण बना, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन विलयन, यानी दोनों का तैयार मिश्रण, यानी नमक वाला पानी। तो नमक वाला पानी बनाने के लिए हम नमक और पानी को मिलाते हैं तो यह सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूशन जो बना, ये सॉल्यूशन है कैसा, इसको तय करने के लिए हमारे पास तीन पिक्चर्स हैं। एक है हाइपरटोनिक, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपोटोनिक। अब हाइपरटेंशन सभी जानते हैं, अब समझ लीजिए हाइपर का मतलब होता है जो अधिक हो, और यहां पर क्या हाइपर है, ये सॉल्यूशन जो बना था इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, मतलब नमक ज्यादा है। अगर नमक मिलाया है तो यहां समझ लीजिए कि सॉल्यूशन में नमक ज्यादा है, इसलिए ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक किसके रेफरेंस में, यहां पर जब भी कहा जाता हाइपरटोनिक तो मतलब है दो चीजें हैं, कोई एक है इसके अंदर सेल और दूसरा सेल के बाहर भरा हुआ द्रव्य। सेल के अंदर का जो द्रव्य है उससे बाहर भरे द्रव्य का सांद्रण, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए यह सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया। अब जब सॉल्यूशन का सांद्रण ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर से जो मटेरियल भरा है, जिसको साइटोप्लाज्म हमने बताया था आपको, वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के कारण इसके अंदर का मटेरियल अगर बाहर आ जाए तो ये सेल्स, ये पूरी सेल अपने साइज और अपने शेप को मेंटेन नहीं रख पाएगी, श्रिंक कर जाएगी,
आप यहाँ पिक्चर में देखिए, इसके अंदर का पानी बाहर आ गया। क्यों आ गया? ताकि इसके बाहर भरे हुए द्रव्य का कंसंट्रेशन अंदर भरे हुए द्रव्य के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये सेल्स श्रिंक हो जाती हैं। और ऐसा ही हाइपोटोनिक में, हाइपो का मतलब होता है कम, फिर यहां पर रेफरेंस में बात की जा रही है, संदर्भ में बात की जा रही है, किसके? इस सॉल्यूशन के जो बाहर भरा है, और दूसरा जो इस कोशिका के अंदर भरा है। अंदर भरे हुए द्रव्य का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर भरे हुए द्रव्य से, इसलिए जब बाहर इसके अंदर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर वाले का ज्यादा है तो बाहर वाले से अंदर जाने लगेगा। बाहर से अंदर जब जाने लगेगा तो सेल फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल कर जाएगी तो क्या होगा कि यह भी सॉल्यूशन उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? इन यौगिक प्रोसेस के लिए। तो क्या देखते हैं? आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, दोनों तरफ के जो मटेरियल है, जो सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल समान है, एक जैसा है। सेल के अंदर के सॉल्यूशन का और सेल के बाहर भरे हुए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक जैसा है, इसलिए सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। न सेल के अंदर का मटेरियल बाहर आता है, न बाहर का मटेरियल अंदर जाता है। जैसा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि बाहर से अंदर मटेरियल जाने लगता है, सेल इतनी फूल जाती है कि उसके वो भ्रष्ट हो जाती है, वो मतलब एक तरह से उसके अंदर इतना मटेरियल चला जाता है कि वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप जैसा कि सेल को देख रहे हैं। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, सेल का शेप और साइज मेंटेन रहता है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि जो ये तीन प्रोसेस हैं, आप देख रहे हैं जल नेति, कुंजल, शंख, प्रक्षालन, ये यौगिक षटकर्म जिनको फट प्रदीपिका घेरण संहिता में बताई गई हैं। और जल नेति में सब जानते हैं, योग के स्टूडेंट जानते हैं कि हम नमक मिलाते हैं और नमक पानी में मिलाते हैं, उसका कुछ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर की बात हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन यहां आज हम बात करेंगे केवल नमक की। नमक क्यों मिलाते हैं जल नेति के पानी में? कुंजल में अक्सर नमक मिलाया जाता है, कहीं कहीं लोग नहीं भी मिलाते हैं, और संघ प्रक्षालन में भी नमक मिलाया जाता है। इन तीनों प्रोसेस में, और इसके अलावा एक प्रोसेस है शीत क्रम, व्युत क्रम, और इन सारी प्रोसेस में वही वाटर उपयुक्त होता है जो जल नेति के लिए तैयार किया जाता है। हम बात करते हैं कि ये नमक मिलाते क्यों हैं? तो मिलाने के पीछे जो कारण है, योग के स्टूडेंट से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल नेति के पानी में या संघ प्रक्षालन के पानी में नमक क्यों मिलाया जाता है, तो उनके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जल नेति के पानी में, कुंजल के पानी में, संघ प्रक्षालन के पानी में नमक मिलाने का कारण आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनते ही इन सेल को वो सॉल्यूशन जो जल नेति का पानी है, चाहे कुंजल का है या संघ प्रक्षालन का है, हमारे अंदर की सेल्स को प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप जैसे नाक में डालेंगे वैसे दूसरी नाक से निकल जाएगा। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि जल नेति के पानी में नमक मिलाने के पीछे का जो साइंस है, जो गणित है, जो विज्ञान है, वो ये है कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो हमारे अंदर की सेल्स को, चाहे वो नाक के अंदर की सेल्स हो, कुंजल में वो हमारे स्टमक या इसोफेगस के अंदर की सेल्स हो, संघ प्रक्षालन में फोल इसोफेगस पूरी आहार नाल के अंदर की सेल्स हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, जो नमक मिला हुआ पानी है उसका, क्योंकि वो जैसे ही अंदर जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के कारण उसका अब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण कोशिकाएं नहीं करेंगी, और उसका अवशोषण, उसका अवशोषण अगर कोशिकाएं नहीं करेंगी तो कोशिकाओं पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो जिस पर्पज के लिए जल नेति का पानी अंदर गया था, क्लींजिंग के लिए, सफाई के लिए, वो क्लींजिंग, वो सफाई जल नेति का पानी कर देगा। और इस प्रकार हम देखते हैं जल नेति के पानी में,
कुंजल के पानी में और संघ प्रक्षालन के पानी में जो ये सल्यूट नमक मिलाया गया और कितने पानी में मिलाया गया, उतना पानी ताकि इसका जो सल्यूट है सॉल्वेंट दोनों की मात्रा उतनी रखी जाए ताकि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक बने, न कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक यानी नमक की मात्रा अगर पानी में ज्यादा हो जाती है तो जलनेति करने वाला पर्सन जानता है, साधक जानता है कि उसकी नाक में इचिंग जैसा होता है, और अगर यही नमक की मात्रा पानी में कम रह जाए तब भी उसको एक सेंसेशन मिलता है। जबकि अगर ये नमक की मात्रा और पानी की मात्रा ऐसी हो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाए उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर ये सारी बातें हम ध्यान रखें योग के षटकर्म करते समय, योगिक षटकर्म करते समय, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आप इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के द्वारा आप पाएंगे कि वास्तव में हमारे ये षटकर्म अच्छे होते हैं। अब दो बातें और हम आपको इसमें बताएंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो था कि नमक अगर आपने सही मात्रा में मिलाया है तो ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा रहती है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पानी बाहर आ जाता है, उसका द्रव्य बाहर आ जाता है या द्रव्य अंदर चला जाता है। तो ये दो तरीके का होता है, एक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट एनर्जी ये काम होता है। और यहां पर आप देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन साधारण विसरण पैसिव एक्सरसाइज है, और यहां पर ये जो प्रोसेस होती है ये यही है साधारण विसरण की, सिंपल डिफ्यूजन की, जो कि आप देखते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं, जैसे हम प्राणायाम की जब बात करते हैं तो लंग्स इसी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक तरह से अब्सॉर्ब करते हैं और बाहर निकालते हैं, यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से उस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, और किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इन सारे प्रोसेस पर आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे, और ये समझने के लिए आपको अगली वीडियो में देखना पड़ेगा कि कैसे प्राणायाम में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।